इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी पीर महल से रूरल हेल्थ सेंटर तक आगाही वॉक की गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर मिस मरहबान अहमद, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मियां तारिक चौधरी अब्दुल मजीद, राना शफीक खान, कारी अतीकुर रहमान, चौधरी सरवर अंजम ने की। रूरल हेल्थ सेंटर में बच्चों को कतरे पिलाए डॉक्टर बालिक, डॉक्टर हारून, डॉक्टर मोहम्मद शान, ग्रीन फूड इंस्पेक्टर मियाँ शहबाज लतीफ और दीगर मौजूद थे। 17 फरवरी से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। पंजाब स्कूल कोटली लोहारा मगरबी का सालाना रिजल्ट की शानदार तकरीब मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। इस मौके पर प्रिंसिपल शेराज दानिश ने वालदेन से खिताब करते हुए कहा कि माँ बाप और असातिज़ा मिलकर जब बच्चों की तरबियत करते हैं तो बच्चा मुस्तकबिल का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, ऑफिसर बनकर मुल्क कौम की खिदमत करता है। आखिर पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वाले बच्चों को इनामात दिए गए। टोबा टैक्सिंग जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम पोलियो आगाही वॉक लॉरी अड्डा टोबा से कश्मीर चौक तक की गई, जिसमें DPO वकार कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर, MPA सईद अहमद शहीदी, PTI के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद इशफाक, DSP सर्कल टोबा नहीम अजीज सिंधु, DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद सहीद, AC टोबा रिजवान उल हक और सिविल सोसाइटी अमन कमेटी मेम्बरान पुलिस, वकला, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और नुमाइंदगान और अवाम नाज की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक का मकसद पोलियो के मतलब लोगों में शहूर उजागर करना है। शोर को सेक्रेटरी पानी और बिजली मियाँ इरफान अली, चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को फैसलाबाद शफीकुल हसन की खसूसी हिदायत पर SI फेस्को जंग चौधरी हालिद नजीर ने वापड़ा ऑफिस चोरकोट में खुली कचहरी लगाकर आवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर XN फेस्को सुल्तान बहू डिविजनल चौधरी RF, STO सिटी मोहम्मद नासिर सियाल, STO रूरल चौधरी इमरान हैदर, STO अहमदपुर सियाल अली अदनान, सर्कल टेक्निकल असिस्टेंट सर्कल जंग इमरान बलोच मौजूद थे। SI फेस्को जंग खालिद नजीर ने खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरियां लगाने का मकसद अवाम उन्नास के मसाइल की दहलीज पर हल करना है। कामों के असिस्टेंट कमिश्नर शाहिद अब्बास जुत्ता इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर की वहंडो के इलाका में पेट्रोल पंप्स और गोश्त की दुकानों पर कार्रवाई। 2 पेट्रोल पंप्स पर जायद रेट होने पर भारी जुर्माने आयद। गोश्त की दुकानों पर भी जायद नर्क होने पर जुर्माना किया। AC ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप्स और गोश्त की दुकानों को 2,10,000 जुर्माना आयद किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कोर्ट रफीक में ईंटों के भट्टे को भी चेक किया। भट्टे में नाबालिग बच्चों को काम करते हुए पाया गया। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत भट्टा मालिक के खिलाफ FIR दर्ज। सेवन शरीफ में वजीर आला सिंध के आबाई हल्के बहान सिंध से कॉपी कल्चर खत्म न हुआ। सेवन जामिया यूनिवर्सिटी के जेर इज्तिमा BAC के पर्चे मोबाइल फोन से हल होने लगे। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज बहान में केमिस्ट्री का पर्चे के दौरान तालबा सरेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पर्चा हल करने लगे। इंतजामिया कापी करवाने में मसरूफ। शोरकोट तहसीलदार सादत नवाज खान ने नवाही इलाका कायम भरोना में कार्रवाई करते हुए जखीरा अंदोजी करने पर दुकान को सील कर दिया। अब्दुल रहमान वल्दी अब्दुल सत्तार सकना कायम भरोना ने अपनी दुकान में चीनी की 500 बोरियां स्टॉक करके रखी हुई थीं। इतला मिलने पर तहसीलदार सादत नवाज ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया और मजीद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट को भिजवा दी। नवाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब अवामी एक्सप्रेस के डब्बे ट्रेन से अलग हो गए। कराची से पिशावर जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की बोगियां ट्रेन से अलग हो गईं। अवामी एक्सप्रेस की बोगी का कैपलिंग टूट गया। अवामी एक्सप्रेस की कैपलिंग की मरम्मत का काम जारी है। शुजाबाद जिंदा है तो कहते हैं मर जाएंगे, मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह के रास्तों की हालत इजार, इंतजामिया की आंखों पर पट्टी बांध ली। मरकजी कब्रिस्तान नूरशाह की गली में अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। पिछले द्वार में गली की तामीर के लिए जो फंड्स फराहम किए गए वो ठेकेदार और इंतजामिया की मूली भगत से खुरबरदूर कर लिए गए। गली में सीवरेज का पानी खड़ा रहता है। कब्रिस्तान की मरकजी गली में जगह जगह गंदगी के ढेर नुमाया नजर आते हैं। जनाजे लेकर आने वाली आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है।